ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ नंद कुमार। नमस्कार। समस्या और चुनौती कई बार हमारी इम्तिहान लेते हैं, उससे हम उबर आते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उस समस्या का प्रभाव लंबे समय तक हमारे जहन पर बना रहता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उससे और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। अब देखिए ना, कोरोना महामारी आज भी कायम है। जो लोग कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में संक्रमित हुए, बहुत जद्दोजहद के बाद वापस उनका जीवन पटरी पर लौट आया है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में चिड़चिड़ापन हावी हो गया है। वो डिप्रेसिव फील करते हैं और हर बात पर गुस्सा करना, मन न लगना, अकेले रहने जैसी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। आखिर इसका क्या समाधान है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ नंद कुमार, और आज के कार्यक्रम के साथ हूं मैं आनंद श्रीवास्तव। डॉ नंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कोरोना की मौजूदा स्थिति पर अगर चर्चा करें तो एक बार फिर देश भर में मामले बहुत बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में आज एक नया नियम लागू हुआ कि सार्वजनिक स्थानों में एक बार फिर से मास्क अनिवार्य हो गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी 1,500-2,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या आ रही है। कैसे देखते हैं इसे? और बहुत सारे श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं क्या वो बहुत गंभीर लक्षण वाले हैं, क्या इसमें सीवियरिटी ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? हेलो जी डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं जी। आपने एक बहुत अच्छी बात की, हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मानसिक प्रभाव बीमारी का एक अलग होता है। अगर हमने किसी बीमारी को बहुत बड़ा मान के चलते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, और अगर उसी लक्षण का बीमारी थोड़ा कम छोटा हम मान के चलते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी हल्की सी हुई और उसको कोविड टेस्ट करा के ये बताया गया कि कोविड पॉजिटिव है, तो अचानक घबराहट बढ़ जाती है, एक परेशानी बढ़ जाती है, डिस्ट्रेस होता है और एक डर पैदा होता है कि पता नहीं अब क्या होगा। यदि ये खांसी सर्दी अगर सिंपल होता है और हम ये कहते हैं कि नहीं कोरोना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो उसका प्रभाव अलग होता है और लोग को लगता है कि हम 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो हर एक सोच का, हर एक इन्फॉर्मेशन का प्रभाव पड़ता है आदमी के दिमाग पे। तो अगर आप याद करें तो बहुत पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था एक दो आपके साथ, उसमें ये कहा गया था कि कोरोना की बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन जैसा ही है, बट ये थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा सीवियर है, और लोगों ने उसको उस वक्त शायद उस तरीके से लिया था ताकि डर बहुत कम हो गया जी। लेकिन कभी कभी जब डर बहुत कम हो जाता है तो भी हम उसके फिर शिकार हो जाते हैं, और जो हम लोगों ने आज के दिन में देखा, जैसे अभी देखिए तो कोरोना के मामले बहुत बढ़ गए हैं, पॉजिटिविटी रेट 17% के आसपास हो गया जी, कुछ डेथ भी हुए अभी और काफी लोग सफर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि मास्क पहनना पब्लिक प्लेस में जरूरी है। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा हमें कोई मेजर्स नहीं चाहिए बचाव करने के लिए जी, छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करना, जैसे कि मास्क पहनना, मुंह को ढक के रखना जब हम भीड़ भाड़ वाले जगह में जाते हैं, तो जिससे हम उससे बच सकते हैं। एक तर्क होता है कि मास्क कब तक पहने। अब तो गाइडलाइंस हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अनुभव हो चुका है डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को कि मास्क आप पहने जब भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तब, जब आप खाली इलाके में रहते हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स आप अपने पास रखें ताकि जब एक्सपोज हो आप तो उसको पहन लें, ताकि यदि थोड़ा बहुत आपको इन्फेक्शन हो भी तो सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्या भारत सहित दुनिया के और भी देश
कोरोना की एक नई लहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ समय के लिए पॉकेट्स में मामले बढ़े हैं, जैसे कि जून जुलाई में भी एक ऐसा दौर आया था जब मामले बढ़ने शुरू हुए थे और कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स आ गए हैं और उसके बाद फिर से सामान्य स्थिति हो गई थी। दूसरी तरफ एक जो कानपुर आईआईटी की तरफ से एक शोध आया था कि इस देश में अगस्त सितंबर में नई लहर आ सकती है, उस दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है। ये पॉकेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब भी कोई नया इन्फेक्शन आता है वायरल का, तो ये हमेशा रहता है, ये कभी जाता नहीं है। हाँ, इसका रूप चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, हम लोग सालों से देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा होता है, इसका बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ 1980 में। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उसके बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ था, बहुत है, लेकिन लोगों को नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ठीक हो जाएगा। यही अप्लाई होता है, यही लागू होता है कोरोना वायरस के केस में। आप देखेंगे कि अभी जितने इन्फेक्शन चल रहे हैं वायरस के, ये मिक्स हैं। कुछ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है, कुछ फ्लू है, कुछ कॉमन कोल्ड सिंपल जो है उसके हैं, कुछ आमतौर पर जिसकी बॉडी कम होती है तो वायरस जो बॉडी के अंदर होते हैं रीएक्टिवेट होते हैं उसके इन्फेक्शन है। तो ये सारे कुछ मिक्स हैं और बहुत बार इसको डिफ्रेंशिएट लोग नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं कि वैज्ञानिक शोध को हटा दे। तो अगर हम पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी, तो ये एक मिक्स है। और जब भी वेदर चेंज होता है तब थोड़ा थोड़ा वायरस में म्यूटेशन हो सकता है, तो लोग अनुमान लगाते हैं या लोग शोध करके देखते हैं कि जब म्यूटेशन होता है तो नया वेरियंट आएगा तो अलग प्रभावित रहेगा जी। पर अच्छी बात यह है कि जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं ये बहुत अधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन यदि ये बार बार इन्फेक्शन हो तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए जितना हम बच के रहें उतना अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बात करें मनोविज्ञान से और जो मानसिक विकार कोरोना से जुड़ा देखने को मिल रहा है उस पर भी आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। नमस्ते जी। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। आप साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैंने अपना तीनों डोज कंप्लीट कर लिया है, पिछले महीने जुलाई में हमने अपना थर्ड डोज लगवा लिया है। और सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो बरसात के बाद जो वायरल डिजीज के संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह भी प्रमुख रूप से हो जाता है, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि व्यक्ति को मतलब कोविड का संक्रमण है या अन्य कोई बीमारी है, अंदर वायरल इन्फ्लुएंजा है, इसके लिए थोड़ा मुझे बताएं, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, क्योंकि इन दिनों या पिछले सप्ताह से बहुत सारे घरों में ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी जुकाम या हल्का बुखार है और वो सोच रहे हैं कि ये मौसम परिवर्तन का असर है और वो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा था इसके पहले कि ये मिक्सचर है, कुछ इसमें कॉमन कोल्ड के हैं जो मौसम में बदलाव आता है उसके चलते हैं, कुछ कोविड भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, यदि मैं खुद देखूं तो मेरे घर में भी सारे लोगों को हो चुका है सर्दी खांसी जैसे हल्का बुखार, लेकिन ये वाला जो हर ये रहता है तीन दिन तक जी, तीन दिन चार दिन तक, ये बहुत लंबा नहीं रहता है, इसका बहुत नुकसान नहीं होता है। तो यदि हम मान के चलते हैं कि अगर ये कोविड है भी तो उतना खतरनाक नहीं है जी। या दूसरा है कि ये एक सिंपल कॉमन कोल्ड है जो कि हर साल ऐसा होता है, और जब भी बरसात का मौसम होता है जब वेदर चेंज होता है तो हम देखेंगे कि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बॉडी की ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ती है उससे जी, टेम्परेचर जब वेरिएशन होता है तो उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तभी हम लोग कहते हैं जब वेदर चेंज होता है तो थोड़ा सा खान पान भी ठीक रखना चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर भी लेना चाहिए, और जितना हेल्थ का हम बेहतर ख्याल कर पाए लाइट एक्सरसाइज वगैरह हमें करना चाहिए जी। बट ये अभी वैसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं हम लोग कर रहे हैं रिसर्च के माध्यम से कि ये कोरोना है ये कोरोना नहीं है, इसलिए कि जब भी कोई बीमारी कोरोना वायरस जिससे पैंडेमिक बीमारी अगर फैल जाती है कम्युनिटी में समुदाय में तो उसमें
बहुत डिफिकल्ट हो उसको ट्रेस करना और उसको आइसोलेट करना कि ये कॉमन कोल्ड है और ये कोरोना है। जी बिल्कुल ठीक। बट अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिविटी वाली बात यह है कि जो भी हो रहा है उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है या जो थोड़ा वल्नरेबल होते हैं बीमार होने के लिए, जैसे बुजुर्ग हो गए, जो और जिनको बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या सांस की बीमारी है, उनके लिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए सबको बच के रहना चाहिए इससे जितना हम बच पाते हैं, और मास्क का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका हमेशा लगता है, आकाशवाणी का नियमित होता हूँ, तो हमेशा जो है जागरूक बातें यहाँ पे आप लोग दिया करते हैं तो काफी जानकारी मिल जाती है, बहुत शुक्रिया। और मैं आज डॉक्टर साहब से खास ये पूछना चाहता हूँ, जैसा मैं आज न्यूज में भी सुन रहा था कि दिल्ली वगैरह में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, तो सर जैसे मास्क जो है, जैसे हम लोग टीका लगवा चुके हैं और उसके बावजूद भी क्या मास्क लगाना जरूरी है, ये इस बारे में जरा आप बताएं। जी टीका लगाने के बाद भी जरूरी है, कारण क्या है कि आप आमतौर पे जो वायरस है, कोई भी वायरस है, ये कोरोना वायरस हो या दूसरा वायरस हो, उसमें कुछ कुछ म्यूटेशन होते रहते हैं, और जब ये म्यूटेशन होते हैं तो उसका दूसरा रूप जो होता है तो उसमें इन्फेक्शन का थोड़े बहुत चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आप देखिए तो कॉमन कोल्ड है जो आमतौर पर इन्फ्लुएंजा है या बीमारियां हैं थोड़ी बहुत सांस की, मास्क लगाने से उसमें बचाव होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और टीका लगाने के बाद भी पूरे अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो मास्क लगाना एक बेहतर उपाय माना जाता है इस तरह की बीमारी से बचने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में ही मैं कह रहा था अपने श्रोताओं से कि कई बार समस्याओं से निकलने के बाद हम बहुत पॉजिटिव महसूस नहीं करते, हम निकल तो जाते हैं लेकिन वो हमें लगभग निचोड़ सा लेती है वो समस्या। कोरोना के साथ भी ऐसा ही हम आस पड़ोस में देखते हैं कि जो लोग संक्रमित हुए, अस्पतालों में भर्ती हुए या फिर जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, उसके बाद जो उबर कर वापसी हुई वो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उनसे छीन लिया गया, वो चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगे हैं, उनके परिवार के लोग ये कहते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, क्या कारण है, कैसे इससे बाहर निकला जाए? जी बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। अभी मैं कोशिश कर रहा था ये बताने का कि किसी भी चीज का मानसिक प्रभाव पड़ता है, यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है या सूचना देता है कि आप इससे पीड़ित हैं, ये बीमारी गंभीर है, तो दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जी वो डिप्रेस हो जाता है, यदि आप ये कहते हैं कि नहीं छोटी सी बात से ठीक हो जाएगा तो लोग उसको मान के चलते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। कोरोना में देखा गया है कि पूरे बॉडी का हर एक अंग प्रभावित होता है, और ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रभावित होता है कोरोना में। यदि आप याद करें तो जब कोरोना के लक्षण में शुरू में हमारी स्मेल जाती थी, सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति, स्वाद का शक्ति, जीभ का स्वाद, वो चला जाया करता था कुछ हफ्ते के लिए। इसका मतलब होता है कि इस स्वाद और सूंघने की शक्ति डायरेक्ट कनेक्शन इसका ब्रेन से होता है, तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा जिससे हम सूंघते हैं या जो वो हिस्सा जिसे हम स्वाद को पहचानते हैं, अगर उसमें नुकसान होता है कोविड के वायरस से, थोड़ा बहुत उसमें सूजन आती है, तो इस तरह के लक्षण आते हैं। इसको इस तरह समझ के देखिए कि जब ये ऐसा होता है तो ब्रेन का एक ऐसा भी हिस्सा है जो हमारे सोच को कंट्रोल करता है, जो हमारे याददाश्त को ठीक रखता है, जो हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, मॉड्यूलेट करता है, जो हमारे सोचने की प्रक्रिया को भी ठीक से चलाता है। जी। अगर इस हिस्से में कुछ हमारे वायरस इन्फेक्शन होता है कोरोना का, माइल्ड सा होता है, तो उसका असर भी होता है, और उसका असर इस बात पे होता है, हमारे सोच पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है, हमारे फीलिंग पे पड़ता है। और बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं अपने मेडिकल ओपीडी में कि कोरोना होने के 2 महीने के बाद भी लोग ठीक रहते हैं, बट तीसरे चौथे महीने में उनको कुछ समस्या होती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन होता है, मन ठीक नहीं रहता है, उदासी लगती है, बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा बीपी फ्लक्चुएट करता है। जब इस तरह की बात होती है तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं
कि दिमाग पे कुछ वायरस का असर है और कुछ हम लोग दवाइयां देते हैं जिससे कि ठीक हो जाए जी। इसका एक उपाय मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोरोना वायरस या इस तरह बीमारी कोई भी होती है तो सबसे पहला हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा आइसोलेट होते हैं, जो कि बीमारी के कंट्रोल के लिए जरूरी है जी। तो जैसे ही ठीक होता है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो थोड़ा थोड़ा हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा वॉक करना चाहिए, थोड़ा अपना डाइट को ठीक करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए जी। बहुत बार क्या होता है, जितना हम आइसोलेट हो जाते हैं तो हमारे जो सेंसरी सिस्टम है वो भी एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, पूरे समाज से कट जाता हो जी, और हम एक रूम में बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा ब्लंटिंग होता है। जब हम लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे या लोग हमारे पास आएंगे हम बात करेंगे, तो ये चीजें दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और जो दिमाग के नसें हैं, ब्रेन के नसें हैं या वो हिस्सा दिमाग का जो कि सोच को करता है कंट्रोल, जो मेमोरी को ठीक रखता है, वो एक्टिव होता है जी। बिल्कुल। बहुत देर से बड़ौत से महेश शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं। महेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। आज मैं जानना चाह रहा हूँ जी, कोरोना के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं और जो है कभी घटाओ में हो जाता है, कभी बढ़ाओ में, अभी बताओ इसमें लापरवाही हमारी है या कुछ और है, क्या कारण है जो कभी जो है घटते हैं और कभी बढ़ते हैं, और जो है एक नया वायरस का सुना है चाइना में, नया वायरस लेंगिया के नाम से है, क्या ये वायरस खतरनाक है या क्या, बताने की कृपा करें जी डॉक्टर साहब। जो आपने कहा कि ये किसके चलते है, ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, हमारा दोष है या कुछ और वजह है, आपने सही कहा, ये दोनों वजह है, कुछ तो हमारा भी दोष है कि हम जो सावधानी बरतनी चाहिए हमें, जैसे कि मास्क लगाना चाहिए और थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहिए लोगों से, फिजिकल डिस्टेंस, बट मेंटली कनेक्ट रहना चाहिए, ये हम नहीं कर पाते, बहुत बार फ्री हो जाते हैं, बट ये ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब भी वेदर चेंज होता है, वायरस का थोड़ा म्यूटेशन होता है, नए प्रकार हो जाते हैं थोड़ा वायरस के, तो उसकी जो क्षमता है रोगों को लगाने की, रोग पैदा करने की, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे कारण है, हमारा भी व्यवहार है उसके प्रति, मानसून का असर भी है, मौसम का है, वायरस का म्यूटेशन भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती है, लेकिन जो हमारे हाथ में है कम से कम हम वो तो कर सकते हैं। आपने तो कहा चाइना वाले वायरस के बारे में कि बहुत खतरनाक वायरस है, दूसरा एक अभी नया वायरस है, इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध पूरी नहीं है, और अभी इंडिया में अभी वैसे कुछ केसेस नहीं हुए उस वायरस के जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है जी। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं लोनी से, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला सिरोडी लोग। सर मैं जानना चाह रहा था जिन लोगों को पहले इसमें दूसरी लहर में कोरोना हो गया था, डेल्टा वगैरह, फिर वो ठीक हो गए कुछ लोग, और उनको अब भी रातों को नींद नहीं आती है, जैसे बेचैनी रहती है, बहुत नींद नहीं आती, सुबह का टाइम नहीं आती है, तो उनको डिप्रेशन वगैरह किसी का हो गया जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं जो सवाल समझता आया हूँ, आपने ये पूछा कि जिन लोगों को कोरोना हो जाती है उनके बाद उनको रातों को नींद नहीं आती है, थोड़ी बेचैनी होती है, ये सवाल था आपका? जी बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं क्या ये डिप्रेशन के लक्षण है? आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डिप्रेशन के लक्षण है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट आमतौर पर जब नींद नहीं आती है थोड़ी बहुत या थोड़ी सी बेचैनी होती है, तो बहुत बार बॉडी भी एडजस्ट करता है जी, ब्रेन भी एडजस्ट करता है वायरल इन्फेक्शन को ठीक होने के बाद थोड़ा बहुत जी, तो उससे दिक्कत होती है। अगर और भी कुछ लक्षण से मिलते जुलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा जो आपने कहा बेचैनी होना, नींद नहीं आना, इसके अलावा अगर मन बहुत उदास रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ताकत बिल्कुल नहीं लगती है, सब बेकार बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ होगा नहीं, आप आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है, और ये लगातार अगर दो तीन हफ्ते से ऊपर है,
तो डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जी। पर अच्छी बात यह है कि जब ये जब भी ऐसा होता है जिसका इलाज संभव है और ये ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा हो या किसी को ऐसा लग रहा हो तो ये कोशिश करें कि थोड़ा हल्का सा प्राणायाम करें, सोने के पहले अनुलोम विलोम करें, पेट से हल्की सी सांस लें जिसको हम लोग बोलते हैं लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ना बिना रोके हुए, इससे ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा एंग्जाइटी कम होती है, नींद अच्छी आती है। बिल्कुल नहीं, अगर ठीक होते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। देश की राजधानी दिल्ली के केशवपुरम से वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा था, एक चाइना में नया वायरस आया है, उसका नाम है लिवास, हो सकता है मैं उसका सही उच्चारण नहीं कह रहा हूँ, उसमें 35 चीन में एक नया कोरोना का वेरिएंट पाया गया है, वो कितना संक्रामक है? हेलो जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि चीन में कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है, वो कितना घातक है? देखिए, इसमें ना सब्जेक्टिव इफेक्ट काफी होता है, कोई भी वायरस होता है। जैसे मान लीजिए जो कोरोना का वायरस शुरू से में आया था तो कहीं पे बहुत अधिक डेथ हुआ, कहीं पे बहुत कम डेथ हुआ जी। इससे इस वायरस के बारे में जो इसकी कितनी घातक है ये हमारे जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये जब और लोग उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कितना उससे डेथ होता है, कितना सीवियर बीमार लोग पड़ते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हो सकती है। बट आज के दिन में उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कि एक कुछ फोकस अभी इधर भी शिफ्ट हुआ है मंकी पॉक्स की तरफ जी। तो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि वायरस कितना घातक है अभी जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोता भी उनके जहन में भी इस तरह का सवाल होगा और मेरे जहन में भी है। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ करते हैं, अगर कोरोना से थोड़ी अलग चर्चा करें कि हम जीवन में जिस चीज के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं वो लक्ष्य अगर हम हासिल नहीं कर पाते हैं या बहुत अनएक्सपेक्टेड हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्या गलती थी, और उसी को बार बार सोचते सोचते हम इतने नकारात्मक माहौल में चले जाते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मरीज ओपीडी में आते होंगे, ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है? ये आजकल एक आम समस्या है यदि आप ऐसे देखें तो जी, कि हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि यदि हम लोग इस तरह इसको सोचें तो हमारी जिंदगी बहुत हद तक एक आरामदायक पटरी पर चलने वाली हो गई है जी, जिससे लाइफ में एक सब कुछ चीजें तय हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूटीन है, भले हम कहीं भी रहते हैं वो तय है कि आज ये करना है, फिर हमें ये करना है, और इसका ये करने के बाद ये हमें मिलेगा, उस पर हम ये काम करेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड चीजों को जो फेस करने का है, जो सामना करने का है, जो बॉडी और ब्रेन की कैपेसिटी वो धीरे धीरे घटते जाती है जी। उदाहरण के तौर पे आप 20 साल पहले जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको पता था कि बस इतने बजे आएगी और इसमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी तरह जाना है जी, तब आप तैयार होते थे कहीं भी जाने के लिए उस तरीके से, ताकि आप चीजों को फेस कर पाए जी। आज के दिन में आपको हर कुछ उपलब्ध है, रिजर्वेशन होना चाहिए, सीट अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, जब भी लगता है उसमें कुछ बदलाव लगता है तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारा जो बॉडी एंड ब्रेन इतना कंडीशन हो गया है इन सब चीजों के लिए, ताकि अनएक्सपेक्टेड चीज, अनसर्टेन जो परिस्थितियां हैं, अब बदलाव है, वो उसको जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बॉडी एंड ब्रेन करता है रिएक्ट जी। रिएक्ट का मतलब होता है जब ब्रेन करेगा रिएक्ट तो एंग्जाइटी होगी, इरिटेशन होगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, और इसका असर पड़ता है बॉडी पे भी, पसीना आएगा, थकावट होगी। तो ये बहुत कुछ हमारी आदत का हिस्सा हो गया है जी। इसका अगर वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीका ये सबसे बेहतर हो सकता है, इसीलिए हमें कुछ कुछ हमेशा अपने आप को चैलेंज देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे जगह गए हैं जहां आप जानते नहीं हो, ऐसे घूमने चले गए हैं, ऐसे लोग से मिल रहे हैं जहां आप बहुत अधिक नहीं जानते हो, उनकी बात को भी सुन रहे हैं, मिल रहे हैं,
कभी कभी जो आपका बिल्कुल एक आरामदायक जिंदगी है उससे बाहर निकल के भी जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का आदत है बिल्कुल एयर कंडीशन घर में रहने की जी, तो थोड़ा सा बाहर भी निकल के देखें, बिना एयर कंडीशन के भी रहे घूमे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जितना हम लोग अपने आप को थोड़ा थोड़ा चैलेंज देते रहे अनएक्सपेक्टेड चीजों से वो बेहतर रहे जी। लेकिन अब चूंकि चीजें इतनी वो हो गई है, एक अनुमान के अनुसार ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बनते जा रहा है जी। जैसे कि किसी का व्यवहार ऐसा गलत क्यों हो गया जी, अगर हम ये सोच ले उसका व्यवहार गलत इसलिए भी हो गया कि वो बीमार था, वो ठीक नहीं था या उसका मन ठीक नहीं था, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। बट हम शायद बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, बहुत अधिक उम्मीद करते हैं कि नहीं सब कुछ सिस्टम के अनुसार हमारे साथ में हो। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी हमारी नियमित श्रोता हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्ते। और आपके साथ हो रहे हूँ जी। जी बिल्कुल नमस्ते। और सर पहले तो रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आए दिन हम समाचार में सुनते, आज भी मैंने सुना, उसमें कह रहे हैं कि जो कोरोना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सर एक से एक वेरिएंट आ रहा है, जैसे कल मैंने कहा था, तो सर एक्चुअली इसे जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जो विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने भी इसको महामारी घोषित कर दिया, तो एक्चुअली सर इस तरह अगर मतलब बढ़वा हुआ तो हम कैसे मान सकते हैं कि हैजा चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियों से क्या ये पूरा टाइम रहेगा, जब तक हम लोग की जिंदगी तब तक रहेगा? धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। जब भी कोई नो आता है इन्फेक्शन वायरस या कोई भी नया कुछ पैंडेमिक एपिडेमिक, तो शुरू में हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। यदि मैं ये कहूं कि पूरे हम अगर कोरोना को देखें, पूरे दो साल के अनुभव को देखें, तो ये बात समझ में आती है कि कोरोना का डर कोरोना से अधिक खतरनाक साबित हुआ है पूरे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जी। और इसके चलते आप देखें तो बहुत सारे लोगों का डर के चलते और घबराहट के चलते बहुत सारे लोगों को अपने जान गंवाना पड़ा, इसलिए कि जिसको हॉस्पिटल जाने की शायद जरूरत नहीं थी उसको जाना पड़ता था डर के मारे। सो ये एक फिनोमेना है, ये एक सिस्टम है जो इस तरह होता है। आप देख रही होंगी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पहले डर था वो डर अब नहीं रहा उतना, जिससे लोग लगा हाँ कोविड है चलो ठीक हो जाएगा, वो वाली बात नहीं है। तो हमें केवल ये समझना है कि ये कोरोना वायरस कोविड ये आगे भी रहेगा, कुछ कुछ इन्फेक्शन होते रहेंगे, लेकिन जो मेजर्स पहले लिए गए थे, जो सरकार ने पहले कदम उठाए थे जब हमें उतना अनुभव नहीं था, तब और अब में काफी अंतर है। अब हमें ये समझ में आया है कि वैक्सीन इफेक्टिव है बट मास्क भी उतना ही इफेक्टिव है जी। जैसे कुछ कुछ देश ऐसे भी थे उस वक्त जिन्होंने वैक्सीन से अधिक मास्क पर जोर दिया था और उनका रेट बहुत अधिक कम था पॉजिटिविटी का। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं कि इस समय जो है वो मास्क पर अब भी हमें फोकस करने की जरूरत है। कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे और लंबी चर्चा की जा सके, आपने तमाम विषयों पर और खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे श्रोताओं के साथ जो बहुत ही मूल्यवान विचार साझा किए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें मानसिक मजबूती के साथ किसी भी समस्या का सामना करने की जरूरत है, हताशा और निराशा जीवन के पहलू जरूर हैं लेकिन सकारात्मक सोच के साथ और अपने लक्ष्य पर निगाह जमाकर अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ नंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है EIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.nic.in।